हुआ मैं, ठीक है ऑन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी नंबर वन में। और मैं अभी आपको रिव्यू के लिए आया हूँ ओमिक्रॉन फर्स्ट ए के अथॉरिटी फ्लैट जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेवलप किए हैं। यहाँ 80 मीटर और 59 मीटर के जो हाई राइज फ्लैट उपलब्ध हैं। जो 80 मीटर है वो MIG है और जो छोटा वाला है वो LIG है। और ये अगर दूरी देखी जाए इसकी मेट्रो से तो 5 किलोमीटर लगभग पड़ता है ये। और आगे क्या कंडीशन इसकी है वो हम लोग अंदर चल के देखेंगे। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। अरे शर्माते क्यों हो यार? हाँ, ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए 80 मीटर और 59 मीटर 2 BHK फ्लैट हैं। ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का हाई राइज बिल्डिंग का सेकेंड पार्ट है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ कितने फ्लैट हैं भाई साहब? 1320। 1320 फ्लैट ये उपलब्ध हैं। बिल्ड क्वालिटी भी देखने में काफ़ी ठीक लग रही है। और अभी अथॉरिटी का अलॉटमेंट भी इसमें बचा हुआ है, बाकी रीसेल में भी उपलब्ध हैं। जो इसकी प्राइजिंग है वो जो 80 मीटर है उसकी प्राइजिंग 55 लाख है और जो छोटा वाला है उसकी प्राइजिंग 36 लाख है। अब रीसेल में आपको क्या रेट मिलता है इसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता, वो आपको जो सेलर है भाई बता सकता है। कुछ लोग अभी हैंडओवर शुरू कर रहे हैं, यहाँ रहने वाले भाई लोगों ने बताया कि कुछ लोग हैंडओवर लेके इसमें रहने भी आ गए हैं। और अगर 2 BHK आप देख रहे हैं MU2 40 मीटर के हिसाब से तो ये मुझे बेहतर लगे, क्योंकि 36 लाख में यहाँ 2 BHK आ रहा है 59 मीटर का, है ना, जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरत पूरी होती है। और भाई पावर बैकअप वगैरह है यहाँ? हाँ, जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं पगा। और सबसे बड़ी बात है कि अथॉरिटी की लाइट जो 24 घंटे लगभग रहती है उसके बाद भी यहाँ पावर बैकअप भी उपलब्ध है ना। आपको DG सेट्स नज़र आ रहे होंगे सामने, देखिए इस टावर के जो DG सेट्स हैं वो ये लगे हुए हैं। तो जो प्राइवेट सोसाइटी में सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली हैं। अगर आप हाई राइज फ्लैट देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में इस कीमत में 55 लाख में 2 BHK फ्लैट मिलना बड़ा मुश्किल काम है। प्राइवेट बिल्डर तो बहुत ज़्यादा हवा खराब किए हुए हैं मार्केट की। और यहाँ जो 40 मीटर MU2 है या फिर 36 मीटर है या फिर जो चार जिनको 1 BHK समझ नहीं आता है वो 2 BHK में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रहने आ सकते हैं। बट जो रहने आए उनके लिए ही मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये फ्लैट जो उपलब्ध हैं ये 2 BHK हैं और ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का सेकेंड पार्ट है। मैं सामने आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो हाई राइज दिख रही है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी कितने BHK हैं? इसमें सामने वाले में फर्स्ट में 2 BHK हैं, उसमें भी 80 मीटर और ये वाला है। अच्छा, एरिया नहीं पता, चलो उसका रिव्यू हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे। धन्यवाद। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि फ्लैट की कंडीशन क्या है, लिफ्ट कितनी है, इस पूरे में कितनी लिफ्ट है। 9 लिफ्ट है टोटल, इसमें टोटल 9 लिफ्ट उपलब्ध हैं। अभी अथॉरिटी भी द्वारा अथॉरिटी कितने टोटल फ्लैट बचे होंगे आइडिया है? अथॉरिटी जो अलॉटमेंट नहीं है, नहीं पता है, तो अथॉरिटी भी अलॉटमेंट निकालेगी, उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी रीसेल में भी उपलब्ध होंगे, अगर आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त सोसाइटी है ये, है ना। और कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया बट वीडियो किसी ने नहीं दी इसकी अभी तक। ओमिक्रॉन फर्स्ट ए में स्थित है ये, लगभग 1300 यूनिट हैं, 1300 यूनिट हैं। स्पेस भी अच्छा है, बैकअप भी है, और सबसे बढ़िया बात है ये अथॉरिटी का माल है। ये देखिए, ये क्या, ये ऑफिस है भाई या दुकानें हैं? दुकानें अलॉटमेंट हो गई हैं? हैं, अभी अलॉटमेंट नहीं हुई? क्या प्राइस रहने वाला है दुकानों का? ये देखो दुकानें भी खाली पड़ी हैं, जो एज ए बिजनेस पर्पज इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी ये देख सकते हैं। ठीक ठाक स्पेस है दुकानों का। ऊपर क्या है ऊपर इसमें भाई? कॉमन एरिया, बारात घर वगैरह, बारात घर है ना, बाकी जो सर्विसेज आपकी रहती हैं सामुदायिक केंद्र वगैरह उस टाइप से ये
दिया हुआ है अथॉरिटी ने, आपको दिखा भी देते हैं। कैंटीन हो सकती है, और भी चीज़ें बन सकती हैं, वो तो अथॉरिटी प्रस्तावित, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट हाँ अभी इसमें काम भी चल रहा है। फुल्ली कंप्लीट नहीं है ये, तो अभी मौका है आप लोगों के पास आके इन्वेस्ट करने का। ये देख लो, फिर व्यू देख लो, ये बताओ कहाँ कहाँ पे 80 मीटर है, कहाँ कहाँ पे 60 मीटर है। ये 86 मीटर है, 80 नहीं 86, 83 मीटर और 59 जो 59 मीटर। अच्छा, ये सामने जो आपको फ्लैट दिख रहे हैं ये और ये 59 मीटर हैं, और ये MIG फ्लैट है 83 मीटर का, सॉरी जो मैंने 83 मीटर का फ्लैट है। इसमें तीन बालकनी देखने को मिलेंगी, एक जो सामने आपको दिख रही है ये आपकी मास्टर बेडरूम की जो वो है, मैं दिखा दूंगा आपको, ये मास्टर बेडरूम की बालकनी है, और जो छोटा वाला रूम है ये उसकी बालकनी है। तो 83 में तीन बालकनी देखने को मिलेंगी। ये कितने फ्लोर है भाई, ये 15 फ्लोर है। और कई लोगों का सवाल रहेगा कि वीडियो में पार्किंग नहीं दिखाई, तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं, एक तो ग्राउंड फ्लोर उपलब्ध नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग मौजूद है, और अंडरग्राउंड पार्किंग भी है। अंडरग्राउंड कितने फ्लोर है भाई इसमें, नीचे नीचे पार्किंग में, मतलब एक ही फ्लोर है ना नीचे। ये नीचे भी एक फ्लोर है, तो दो फ्लोर है। 1300 के हिसाब से आराम से एडजस्ट हो सकती है आपकी गाड़ी वगैरह, और यहाँ पे भी स्पेस पे गाड़ी लगी जाएंगी, है ना, छोटा सा लॉन डिपेंड है। और आपको दिखा दूं सबसे बेहतर चीज, ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए जो 120 मीटर 200 मीटर के जो बिला हैं, ये उसका एंट्री है, देख सकते हैं आप, ये उसका पार्क है जो ओमिक्रॉन फर्स्ट ए है, बट इसमें बाउंड्री वॉल दी है, बट आप पार्क में भी जा सकते हो यहाँ से अंदर, मतलब जो पार्क की सुविधा ओमिक्रॉन फर्स्ट ए में बिला वालों को मिलने वाली है वही सुविधा आप भी उठा सकते हो। ये गेट है, और ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए की जो भी सुविधाएं हैं वो सारी आप अवेल कर सकते हो पार्क की, कम्युनिटी सेंटर की, और इसका अलग से अपना कम्युनिटी सेंटर और शॉप्स हैं। ये देखिए, एक बार फिर आपको बता दूं, ये सामने दिख रहे 83 मीटर हैं, और सामने ये दिख रहे हैं ये 59 मीटर हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 59 मीटर का आपको दिखाते हैं। चाचा कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ, हैं? एक साल हो गई। सेफ्टी तेज बोलो, सेफ्टी वगैरह पूरी है, सुरक्षा है पूरी, सुरक्षा, कभी डर वगैरह तो नहीं लगता रात को, कोई लूट लपाट कुछ नहीं, कोई परेशान करना घुस रहा हो, चोरी चपोरी कर रहा हो, है ना, बिल्कुल ओके डन, बढ़िया। तो देख लो, ये जो पावर बैकअप है डीजी का, ये जो 59 मीटर है उसका पावर बैकअप है। तो आपको और जो बिला हैं या जो छोटे फ्लैट हैं उनसे बेहतर जो सबसे चीज यहाँ लगी मुझे कि पावर बैकअप भी उपलब्ध है, आपको इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट ही महसूस नहीं होगी, है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि Mew 2 40 मीटर में जो लोग 1 BHK के 30 लाख मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ी है, और मुझे लगता है कि उतने रेट होने भी नहीं चाहिए, है ना। मेरा भी वहाँ पर एक फ्लैट है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपको 36 लाख में 59 मीटर 2 BHK मिल रहा है तो ये बहुत ज़बरदस्त है, वो भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का माल आपके पास मात्र 36 लाख रुपए में। तो भाई जल्दी आओ, और अथॉरिटी की स्कीम निकले तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना, रीसेल में लेना चाहते हो तो वो भी करना। मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटी अब इसको दोबारा जब निकालेगी जो बचे हुए फ्लैट हैं वो रेट कम रखेगी, तो रीसेल में भी कोशिश करो लेने की। धन्यवाद। तो दोस्तों लिफ्ट से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ पे 59 मीटर का फ्लैट, ये 10x15 शायद होगा, है ना, 10x15 का हॉल है। ये जो छोटा वाला जिसे हम बेडरूम बोलते हैं, लोग छोटा ही बोलते हैं, मैं तो जनरली इसे जो कॉमन बेडरूम कह सकते हो, या ये है, ये 10x10 का है।
ये लेटरिन है और ये आपकी वॉशरूम कह सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो दीवार है ये तोड़ के एक करके ये स्पेस ठीक निकल आएगा। ये थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड लग रहा है बस, बाकी किचन बहुत अच्छी होने वाली है। किचन में स्पेस है, बढ़िया वेंटिलेशन है, देखिएगा नज़ारे किचन से भी। टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, पत्थर लगा है, फ्लोर टाइल की है ना। और जो सबसे बढ़िया है यहाँ पे MCB बॉक्स, मतलब लाइट जो जिसकी हमें कमी दिखती थी जगह जगह छोटे फ्लैटों में, MCB का एक ठीक ठाक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे काफ़ी बड़े बॉक्स के साथ। तो मुझे लगता है कि वायर के कनेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, ये डबल वायर है, शायद ये बैकअप हो और एक डायरेक्ट लाइट हो। तो वो तो हमें अभी आइडिया नहीं है क्योंकि अभी काम चल ही रहा है, इसमें अथॉरिटी अभी इसको रेडी टू मूव के लिए काम करा रही है। स्विच भी आपको हॉल में एक, दो, तीन, चार, हॉल में चार पावर स्विच देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके मास्टर बेडरूम में। ये 10x12 का बेडरूम मुझे लग रहा है, ये देखिए इसमें भी आपको दो पावर, सॉरी तीन पावर सॉकेट देखने को मिल रहे हैं, एक, दो, तीन। और ये इसके कबाड़ है, कबाड़ भी लगा के दे रही है अलमारी, जिसे अलमीरा कह सकते हैं। अलमीरा में भी मास्टर बेडरूम में बढ़िया स्पेस है, ये देखिएगा अलमीरा में, आपको घुमा के दिखा देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं हम इसकी बालकनी में। सामने जो आप देख रहे हो ये हम कासना की तरफ चले जाते हैं और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है पूरा, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये कहते नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर है, बेहतरीन ग्रीन बेल्ट। सामने आपको जो है ये कॉमन एरिया या बारात घर देखने को मिल रहा है, यहाँ काम शुरू होने वाला है और वो सामने स्कूल का निर्माण हो रहा है, पार्क है। इसी के साथ ओमिक्रॉन फर्स्ट ए की सारी सुविधाएँ अवेल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये बेहतरीन ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टर जो ग्रीनरी से भरपूर हैं वो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बहुत ओपन खुला हुआ। और यहाँ कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा कि बीच में और कोई बिल्डिंग खड़ी होगी, ये ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि ये बेल्ट प्लांट बसा हुआ ग्रेटर नोएडा का पीछे का हिस्सा है जिसमें ओमिक्रॉन फर्स्ट है, जू वन, जू थर्ड, पाई चाई ये सेक्टर आते हैं। और ये जो भी डेवलप होना था वो हो चुका है और ये ऐसा ही रहेगा, इसी ग्रीनरी के साथ, इतने ही ऑक्सीजन के साथ इसे कह सकते हैं। तो भाई मैं अपनी वीडियो को यहीं आप एंड करूंगा और जल्द ही मैं ओमिक्रॉन फर्स्ट ए के अंदर जो सामने आप देख रहे होंगे ये जो फ्लैट बने हुए हैं सामने, ये इसी के पार्ट वन का हिस्सा है जहां आबादी आ चुकी है, उसकी वीडियो मैं शायद नेक्स्ट तब आपको उपलब्ध करा दूँगा। धन्यवाद। एक बार व्यू कर लीजिए बालकनी से हॉल का। मैं ओमिक्रॉन फर्स्ट ए पार्ट सेकेंड हाई राइज फ्लैट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अभी यहाँ पे मौजूद हूँ और ये छत है, टेरेस पे हूँ। ये नज़ारा देख लीजिए आप, और आपको दिखा दूँ ये सामने ये जो टंकी है, टंकी के उस तरफ ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पूरी इंडस्ट्री यहाँ के नज़दीक होने वाली है, रेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये सामने इसी का जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये मैं अपने हाथ से जो दिखा रहा हूँ आपको, ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का पार्ट ए है हाई राइज बिल्डिंग का जिसमें लोग लगभग आ चुके हैं, टोटल भरा हुआ है, भाई बता रहे हैं ये कि टोटल भरा हुआ है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट खाली है। और सबसे बेहतर चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ग्रीन बेल्ट, गर्मी में पेड़ सूख गए हैं, बारिश में हरियाली बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी से लगा हुआ 130 मीटर रोड सामने आपको दिखेगा, 130 मीटर रोड जो आपको गौर चौक कनेक्ट करेगा नोएडा, ठीक है। और यहाँ से मेट्रो की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर होने वाली है, डिपो मेट्रो इसके पास पड़ेगी, है ना। तो ये ग्रेटर नोएडा की छत से ओमिक्रॉन फर्स्ट ए पार्ट सेकेंड का व्यू है, आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं।
बहुत अच्छा नज़ारा है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही है ना भाई, पूरा कंपनियाँ ही हैं ये। हाँ, तो आपको ऊपर टेरेस से दूसरा बीच का फ्लोर दिखाते हैं। अच्छा, ये किचन के लिए ये एग्जॉस्ट लगे हुए हैं है ना, नीचे हवा वगैरह आ सके वेंटिलेशन के लिए। आपको पार्ट फर्स्ट भी विजिट कराएंगे, क्योंकि आज मैं आ गया तो पार्ट सेकंड शूट कर लिया। ये देखिए सामने 59 मीटर, ये वाले 83 मीटर, और ये कॉमन एरिया। और आप ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का भी जो पार्क है वो एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। चलिए भाई देखते हैं अंदर कि अब फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है 59 मीटर वाला। धन्यवाद। ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का ही जो अथॉरिटी ने डेवलप कर चुकी है वो दिया है। देखो इसमें पंखे लगा दिए हैं। ये हॉल है इसका, काफ़ी अच्छा स्पेस होने वाला है हॉल का। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। ये इसका छोटा बेडरूम है, ये लेटरिन किचन बाथरूम है। अथॉरिटी ने यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा के दिया है आपको, बढ़िया मतलब फुट फिनिश करके दे रहे हैं आपको, एक रुपये इसके अंदर आके नहीं लगाना है। ये इसका किचन है, बहुत बढ़िया, कुछ भी एक रुपये का खर्चा नहीं है, एग्जॉस्ट भी लगा के दिया है अथॉरिटी ने। ये देखिए, ये इसका मास्टर बेडरूम है, ये कबर्ड है, और ये इसकी बालकनी है। ये वाले फ्लैट जो मास्टर बेडरूम है वो जो सोसाइटी के बीच का पार्ट आपको दिखाया था उसकी तरफ मुंह खुलता है इसका। देख लीजिए एक बार आप लोग, सब लोग बालकनी में भी स्पेस बढ़िया है, मास्टर बेडरूम में भी स्पेस ठीक है, लाइटिंग पंखे उषा के फैन लगा के दे रही है, और फायर की भी व्यवस्था, फायर लग पे ये बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा रखी है अथॉरिटी ने। ये लेटरिन किचन दोबारा से देख लीजिए, ये दोनों एक करा के आप बढ़िया कर सकते हैं। गेट लगा के, बोर्ड लगा के, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया कर रखी है। अभी शायद सप्लाई चालू नहीं हुई है जिससे कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी चीज फ्लैट कंप्लीट करके दिया है अथॉरिटी ने, एक सिंगल रुपए इसमें काम कराने का नहीं है। जैसा कि अथॉरिटी के फ्लैट्स में हम लोग बोलते हैं कि आपको काम कराना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, एक रुपये नहीं लगाना है। ये देखने में थोड़ी सी प्लास्टर में दरार देखने को मिल रही है, ये देखिए किसी वजह से आ गई होगी, ये थोड़ी सी कमी भी इसकी है, ठेकेदार ने मक्कारी कर दी होगी। ये देखिए ये दरार, दूसरे प्लेट में भी देख लेते हैं कि कोई दरार वरार आई हुई है कि नहीं। ये देखो इसमें पूरे में गेट पे ये दरार मौजूद है, ये इसके नेगेटिविटी है। अगर आप ऐसा कोई लें और टावर ऐसा कुछ देखें तो प्लीज़ चेक करें टावर, ये बिल्डिंग के कॉलम के स्ट्रक्चर की गड़बड़ी है या ठेकेदार के उसकी गड़बड़ी है। ये देखिए ये देखिए, ये दूसरे फ्लैट का भी यही हाल है ना। कॉलम तो मुझे ठीक लग रहे हैं, कॉलम ही ठीक होने चाहिए, बट ये कुछ और फॉल्ट ना हो तो ये भी आप चेक कर लें, तो दूसरे फ्लैट में भी गड़बड़ी है। अब ये देखते हैं इसमें भी दरार है। अब तो कोई सिविल इंजीनियर नहीं बता सकता है कि ये दीवार के अंदर की दरार है या प्लास्टर में दरार है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 83 मीटर ओमिक्रॉन फर्स्ट ए का जो 2 BHK है उसको मैं दिखाने लाया हूँ आपको। अभी इसमें भी काम हो रहा है, बट लोग जो सिक्योरिटी वगैरह वाले हैं वो इनमें रह रहे हैं। ये इसकी पहली बालकनी है, और सामने जो आपको ये मकान दिख रहे हैं ये बिला हैं, 120 मीटर के बिला हैं ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए के, बट इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है, ये
लाइन लगा रखी है, मतलब अपना ये बाउंड्री वॉल कर रखी है, जैसा कि मैंने आपको पार्क दिखाया था। बट इसमें भी आप जा सकते हो, इसके लिए अंदर ही व्यवस्था है जाने की आपके लिए, आप इसके पार्क वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बिला दिख रहे हैं सामने आपको, ये शायद 120 मीटर का बिला मुझे नज़र आ रहा है, नहीं 200 मीटर है, ये 200 मीटर का बिला है ना। और इसमें एक 200 मीटर भी है, 90 मीटर भी है और 120 मीटर भी है। तो ये जो है इसकी हॉल की बालकनी है, आप हॉल से भी बालकनी में जा सकते हो। ये देखो हॉल, भाई हॉल से भी बालकनी में जा सकते हो। ये देखो ये ट्राइंगल हॉल है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ट्राइंगल हॉल है ना, बहुत गजब का स्पेस। और ये इसका किचन है, ये इसका मास्टर बेडरूम है, इन्होंने अभी फैन लगा रखा है, और ये इसकी बालकनी है, देखिएगा काफ़ी बड़ी बालकनी है, 83 मीटर में बड़े बेडरूम में। ये इसका लेटरिन और वॉशरूम है, ये भी इसका बेडरूम जो साइड बेडरूम, और ये है मास्टर बेडरूम, जो मुझे जानकारी गलत हो गई, इसके मास्टर बेडरूम में भी लेटरिन और किचन है, जैसा कि 56 वाले में नहीं है, इसमें भी है। इसका भी साइज बड़ा है, इसमें भी कबाड़ लगा हुआ है। ये देखो इसमें भी स्पेस है, इसमें अभी सिक्योरिटी गार्ड रह रहे हैं। और ये देखो मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त कंक्रीट के पिलर के साथ साथ ये ब्लॉक्स पे खड़ी है, ब्लॉक्स लगाए गए हैं बाउंड्री वॉल करने के लिए, तो ब्लॉक्स के पास आ जाती है, इसमें आपको कहीं पर भी वो नहीं देखने को मिलेगा, ये ब्लॉक्स में ही गड़बड़ी हो जाती है कभी कभार। ये देखिए ये प्लास्टर तोड़ के देख सकते हैं, ये ब्लॉक्स में गड़बड़ी है, अगर आपको लगता है तो ठीक करा लीजिए। ये तो आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्लैट हैं इसके दोनों रूम्स में लेटरिन और वॉशरूम की व्यवस्था की गई है, और हॉल में भी वॉशरूम है, तो मुझे ये तो बहुत ज़बरदस्त देखने को लग रहा है। तो ये हॉल में भी लेटरिन वॉशरूम है, ये भी मुझे काफ़ी बड़ी देखने को लग रही है, थोड़ी सी नीचे सीलन लग रही है, वो काम कराना पड़ेगा वॉशरूम के पास। तो ये अटैच लेटरिन वॉशरूम दोनों बेडरूम में आपको देखने को मिलेंगे, जो भी काफ़ी स्पेसियस हैं और ज़बरदस्त। मतलब मैंने राजनगर में कुछ फ्लैट देखे थे प्राइवेट, जो 55 लाख लगभग कीमत मांग रहे थे, और ये बता रहे थे कि, और उनके अंदर फीलिंग आ रही थी जो अपने 59 मीटर वाले फ्लैट हैं उनकी, तो ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही बहुत ज़बरदस्त हाई राइज बिल्डिंग, बेहतर व्यू और गुड स्पेस के साथ मात्र 55 लाख रुपीज में। आओ इसका हाई राइज की तरफ से व्यू देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं इसका सेकेंड गेट, जब हमने आपको वीडियो शुरू की थी वो फर्स्ट गेट है, ये सेकेंड गेट है। जो सेकेंड गेट है वो ओमिक्रॉन फर्स्ट जो सेक्टर है उसके अंदर खुलता है, मतलब जब आप ओमिक्रॉन सेक्टर फर्स्ट के मेन गेट से एंट्री करेंगे, ठीक है, तब इस गेट से एक्सिस ले सकते हैं, गेट फर्स्ट गेट से भी एक्सिस ले सकते हैं, बट अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा बंद कर रखा है। बट ये फर्स्ट ओमिक्रॉन के अंदर वाली एंट्री, फर्स्ट के सेक्टर के अंदर से जब पीछे की तरफ ये गेट पड़ेगा आपको, इसको गेट नंबर 2 बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये एक्सेस है। चलते चलते मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि जो लोग सेक्टर 22 के हाई राइज में निवेश करना चाहते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि इसका जो ये सामने जो दिख रहा है ये वाला टावर, पूरी जो लाइन है ये 83 मीटर की है, इसमें निवेश कर लें। 55 लाख अथॉरिटी की इसकी कॉस्टिंग थी, जो अथॉरिटी ने निकाले थे पहले, रिसेल का तो कुछ पता नहीं, कोई कितने में भी बेच सकता है, कम में ज़्यादा में,
मेरा ये सुझाव है कि जो सेक्टर 22D की हाई राइज में निवेश करना चाहता है वो यहाँ निवेश कर ले, क्योंकि यहाँ मेट्रो भी है, रियायत भी है, किराया भी है, सारी सुविधाएं हैं और चारों तरफ गेटेड सेक्टर से घिरा हुआ है, मतलब प्राइवेट सेक्टर। सामने जो आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है, ऐसी बाउंड्री वॉल पूरे ओमिक्रॉन फर्स्ट ए को घेरे हुए है। ये ओमिक्रॉन फर्स्ट ए में बिला भी है 200 मीटर, 120 मीटर, ठीक है, और इसमें 3 BHK लो राइज फ्लैट भी हैं और 30 मीटर फ्लैट भी हैं। 30 मीटर की कीमत लगभग जो है वो इसमें रहने वाली है 12 से 14 लाख। तो इसमें हर तरीके का माल उपलब्ध है ओमिक्रॉन फर्स्ट ए में, और इसकी जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो डिपो मेट्रो है, जिससे इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर होने वाली है, बिल्कुल सीधा रोड से बाहर निकलते ही सीधा आपको मेट्रो है ना, 4 से 5 किलोमीटर, और यहाँ से परी चौक लगभग 7 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। अभी जो यहाँ सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलता है वो है कन्वेंस का, आपको अपनी गाड़ी देखने को मिलेगी, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, रैपिडो ओला ये उपलब्ध हैं, बट ये आपका एंट्री हो गया। चाचा हर गेट में 3-4 लोग गार्ड हैं, अभी लोग नहीं है इसलिए, बाद में 8 बजे बन जाएगी तो सारा कुछ रहेगा, सब रहेगा। तो कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? 1 साल हो गया। जगह बढ़िया है चाचा, है जगह सही है ना? कहाँ रहने वाले आप? हम जिला शाहजहांपुर के। शाहजहांपुर के? सारी टीम शाहजहांपुर की है? नहीं सारी नहीं है, 4-5 आदमी। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। तो और ये जो पूरा जो ये जो सामने आप देख रहे होगे और आप ये जो देख रहे हो, इस पूरे सेक्टर के अंडरग्राउंड, यहाँ भी नीचे पार्किंग होगी पूरे में ना, इसमें पूरे में अंडरग्राउंड पार्किंग है, मतलब आपको पार्किंग के स्पेस की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। दूसरी सलाह मैं आपको दूंगा, जो मैंने पहली सलाह दी थी कि जो सेक्टर 22D में निवेश करना चाह रहे हैं अथॉरिटी की हाई राइज में, तो वो यहाँ आ सकते हैं N86 में। दूसरा, जो म्यूटू 40 मीटर में रेट बढ़ाए जा रहे हैं, 30 लाख रेट पहुँचा दिया 1 BHK फ्लैट का, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो ये सामने बने हुए फ्लैट हैं 59 मीटर 2 BHK 36 लाख में, इनमें आके निवेश कर सकते हैं। रीसेल का कोई पता नहीं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लगभग 50% से वो भर चुका है, और ये इसका सेकेंड पार्ट है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और रिजनेबल प्राइस में, जिस हिसाब से प्राइवेट बिल्डर हवा बक, हमारे यहाँ कहावत हवा बक रहे हैं, तो हवा बकने से अच्छा है कि आप यहाँ आएँ और अपना बढ़िया सा आशियाना बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बाकी जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं, खरीदना बेचना या कोई और इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद दोस्तों।